हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है मैं पूरी फॉर्म में। तो आज हम बात करेंगे किसकी, आपने देख ही लिया होगा इसको। चलो पहले आज हैप्पी फील्स ट्राई करेंगे कोका कोला की जगह पे, ठीक है। लेज है ब्लू वाले, पानी है वो ही पुराना गांडू गिलास है, सॉरी वॉइड गालियाँ। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे महफिल, वो भी देसियों वाली, देसी से थोड़ी ऊपर वाली। तो बगचौती और चुतियापा तो महफिल में भरा रहता है। तो अगर आप इसको लाइक करते हो महफिल ऐसी को, तो अच्छे वाला एक बार लाइक दबाओ जो ओरिजिनल लाइक है। तो अगर आप हेट करते हो तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो। मैं इस वीडियो में दारू प्रमोट नहीं करता, और जो 18 से नीचे हैं या 20 से नीचे हैं, तो जो लोग दारू नहीं पीते, तो भाई आपके लिए नहीं है ये वीडियो। आप जाकर पोगो, छोटा भीम, बेंटेन, गांडू पतलू, ओ मोटू पतलू, ऐसा कुछ जाकर देखो। ये नहीं बोलता आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ, बट मैं दारू प्रमोट नहीं कर रहा। जो पीते हैं मेरी महफिल देखते हैं, मेरे भाई हैं। चलो आ जाए, ये हमारे पास रिव्यू होने वाला है आज इसका। तो मेरे को थोड़ा सेट करने दो अपना टी शर्ट वगैरह। तो इसका आज रिव्यू होने वाला है DSP ब्लैक, ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या करते हैं इसकी, पहले ओवरऑल पहले आप चेक करो इसकी बॉडी, ब्लेंडर्ड प्राइड जैसी बनी हुई है। तो 180 ml का क्वार्टर है, MRP लिखी हुई है 116। तो आपको पता है पंजाब में हमें लूटते हैं, और हम लूट हो जाते हैं, वो भी 170 रुपये इंडियन रुपीज़ की मिली है DSP ब्लैक। DSP ब्लैक मैं आई थिंक 3 साल बाद पी रहा हूँ इसे। 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद पी रहा हूँ ये दारू। देखते हैं, उस वक्त इतना नहीं पता होता था इसका क्या है रिव्यू। आज करेंगे इसका रिव्यू। DSP की ब्रांडिंग भी है, तो ज़्यादा बकचोदी नहीं करेंगे। तो बॉटल आप देख लो। तो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। एंड DSP ब्लैक 75 डिग्री प्रूफ है। और क्या लिखा है कुछ, ये कैसे बनती है दारू, आप इसे घर पे मत ट्राई करें बनाने का। तो स्मूथ डिस्ट, क्या लिखा है वहनचोद, डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव पता नहीं क्या है, छोड़ो यार इतना कौन पढ़ता है। तो ये आई कहाँ से, हमारे पास बेंगलोर से। हाँ बेंगलोर से आई है, ठीक है ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट है। चलिए करते हैं ट्राई बिना बकचोदी किए हुए। तो कैमरा इतना अभी हमारे पास बढ़िया नहीं है, MI का फ़ोन है, उससे ट्राई करेंगे। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, खुद मैं ढूंढ के लेकर आया हूँ। पहले मैंने वोटिंग लगाई थी, तो अगर भाइयों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करो यार। मैं पोल्स डालता रहता हूँ, क्वेश्चन आंसर्स डालता हूँ दारू के रिलेटेड, और भी लाइफ के रिलेटेड। उस पर मैंने डाला था, तो उस पर DSP ब्लैक जीत गई थी क्लिफ हैंगर की तरफ से, और मतलब जो इनका मैच था। तो आज मैं फिर DSP ब्लैक लेकर आया हूँ। चलिए करते हैं इसका रिव्यू, देखते हैं क्या है इसका। सॉरी तारीख चेक नहीं की मैंने। 9/7/2020, ताज़ा माल ही है, 2-3 मंथ पुराना, नहीं 3 मंथ पुराना, 3 नहीं 4, नहीं 4 से भी ज़्यादा शायद। तो इसकी सील तो बहुत वो है, क्या होती है, हैवी, ऊपर पंजाब की स्टैंप, पंजाब सरकार की, भारत तो सरकार पता नहीं क्या है, सत्यम एफजत है। वाह हाँ सही बात है, सत्यम एफजत ही है, दारू पीकर सच बोलते हैं, सत्यम एफजत है। चलिए लगाते हैं पहला पैग, ठोक के कि रोक के। तो यहाँ पे कैमरा ठीक है। तो पहले किससे ट्राई करें, फिश से ट्राई करें या पानी से। पानी वाला रिव्यू करेंगे पहले, नॉर्मल, कोई गांडू बुना नहीं पहले।
वोडका वगैरह पीते हैं ज्यादातर इससे या फिर लिमका से, बट मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो आपने दिवाली वाला व्लॉग तो देखा ही होगा हमारा, बताओ कैसा लगा? आवाज धीमी के लिए सॉरी भाई। अभी सीधी बात बताऊं, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए थे इस पे, 2-3 हज़ार रुपये, ट्रिपॉड्स लिए थे, थोड़ा सा सेटअप ठीक किया था, वो तो पता ही है आपको, 2-3 हज़ार तो इतना भी नहीं लगा, आई थिंक 500 का वो ट्रिपॉड, 1400-1500 रुपये से ज़्यादा ही लगे हैं। तो अभी ट्रिपॉड भी थोड़ा टूट गया है, माइक भी लेना है, ठीक है, माइक एक लिया था खराब निकला था, 350-400 उसका वेस्ट हुआ। तो पहला बैग गया, जय भैरव बाबा की कर लेते हैं इससे। चलो इसको ओपन करते हैं पहले। तो एपी जो फिज है इतनी ठंडी नहीं थी, ना ही पानी ठंडा था, क्योंकि विंटर सीजन है। चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसमें मीठा। चलिए भैरव बाबा की जय हो गई, अब स्मेल चेक करते हैं। वीडियो बहुत लंबी आज नहीं, इतनी मैं करूंगा, क्योंकि पता नहीं लोग लाइक नहीं करते यार, ज्यादा से ज्यादा 7-8 मिनट की देखते हैं, बट पुरानी से तो थोड़ी कम ही रखूंगा। चलो चीयर्स, उठाओ अपना ग्लास जो पी रहे हैं अभी। आप कौन सी लेकर बैठे हो ये बताओ। सही बोला, स्मूथ एकदम। तो भाई रेटिंग तो आपको पता चली गई होगी, स्मूथ इसलिए आज तक मैंने इतनी अच्छी, मतलब टेस्ट की वजह से भाई, मैं नशे की नहीं, अभी टेस्ट की बात चल रही है, टेस्ट में इतनी अच्छी विस्की नहीं पी आज तक, विस्की विस्की की बात चल रही है, इतनी अच्छी विस्की नहीं पी आज तक मैंने, कोई टेस्ट नहीं, मतलब हल्का सा स्मूथ सा टेस्ट आया, कुछ इतना कड़वा नहीं, मीठी, मतलब कुछ पता नहीं चला कि मैंने दारू पी है, इतनी अच्छी लगी टेस्ट के मामले में। भाई मैं इसको दूंगा 10 में से 10 रेटिंग, ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई गांडूपुना नहीं है। तो बताओ यार आजकल क्या चल रहा है जिंदगी में आपकी? क्योंकि मेरी जिंदगी तो झंड है बहन से, पता नहीं चलता क्या बनेगा जिंदगी का, क्या होगा, बस एक क्वार्टर ही है जो दिल की बातें कर देता है हमारे साथ। तो ये क्वार्टर मैं कितनी दूर से लेकर आया हूं मैं आपको बता देता था। जो सीधी बात बताऊँ, अपने एरिया की, अपने गांव स्टाइल में सारी विस्कीज मैंने ट्राई कर ली, सारी बोर्ड का ट्राई कर ली जो इधर मेरी मिलती है, ठीक है, ओल्ड मोक रहती है, वो थोड़ा चिर बाद करूँगा अभी रिव्यू उसका। तो ओल्ड मोक रहती है इस एरिया में बस, बाकी सारी हो गई है। तो मेरे को काम होता है थोड़ा थोड़ा, तो मैंने सोचा मैं गया था आज कितने किलोमीटर दूर, 57 किलोमीटर दूर गया था। तो ये दारू मिली है मेरे को 48 किलोमीटर दूर से, अपने गांव से। देखो कहाँ लिखा है इसका दाना पानी। तो दोस्तों अभी थोड़े अच्छे पैसे होंगे जब, एक मिनट मैसेज आ रहा है,
तो हम ओपन करने जा रहे हैं अपना एक शायद फूड चैनल, ठीक है, इस पे दारू उस पे फूड, लाइक मोमो, चिकन, हरियाली चिकन, ऐसा कुछ फूड, ठीक है ना, बताओ। क्योंकि इन दोनों चैनलों पे अगर मेरे 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, कुछ तो अर्निंग होगी ना, क्यों, सही कह रहा हूँ ना? उस पे नॉन वेज भी होगा, वेज भी होगा, हर एक तरफ का फूड होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या बनता है, शायद गेमिंग चैनल खोलूं, बट अभी पहले इसको पूरी फॉर्म में लेकर आऊंगा चैनल को, 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर करूंगा पहले। भाई आपने भी देखी होगा मेरी पोस्ट, सिर्फ 10% लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, बाकी 90% लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बाहर से आते हैं, मतलब कहीं और वीडियो सर्च करके, सब्सक्राइब नहीं करके जाते, तो भाई बुरा तो लगता है। क्योंकि भाई अभी इतनी अच्छी खासी अर्निंग नहीं होती चैनल से, टेक्निकल शराबी भाई की भी वो हो गई है, ट्रैवलिंग बॉटल है जो बंदे, मोनेटाइजेशन भी उनकी ऑन हो गई है, थैंक यू उनको, कंग्रेचुलेशंस। ऐसे मेहनत करते रहो, मेहनत नहीं बट महफिल लगाते रहो क्या कह सकते हैं, क्योंकि टैलेंट है। देखो भाई सीधी बात, कुछ हैं बंदे जो हमें को बोलते हैं भाई तू इतना, तुम लोग बोल कैसे लेते हो शराबी भाई महफिल में, भाई बस टैलेंट है सबका अपना अपना, टेक्निकल वालों का अपना है, रोस्टिंग वालों का अपना है, उनकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, गेमिंग वालों के पास पैसा है, टैलेंट भी है, और हमारे पास बकवास है चलिए पहला पैक तो अच्छा था इसका, चलिए दूसरा ट्राई करते हैं, अभी तक कोई वीडियो कट नहीं किया 12 मिनट की, चलिए फिर इसके साथ ट्राई करते हैं। तो बियर नहीं है, डीएसपी ब्लैक है, देखते हैं दूसरे पैक के बाद क्या रेटिंग है इसको, थोड़ी फिर रेटिंग की बात कर लेंगे हम। शायद ये विस्की दारू पानी स्पेशल में जाए, नहीं दारू पानी इज फेवरेट। तो दारू एक ऐसी चीज है, देखो पहले बॉडी टेम्परेचर आराम से होगा नॉर्मल, ठंड थोड़ी थोड़ी लगेगी, एक पैक लगाओगे तो थोड़ी सी ठंड लगेगी जैसे मेरे को लग रही है अभी कमरे में, तो उसके बाद जब ये दूसरा अंदर जाएगा तो फिर बैन 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 टैन बैन टैन बैन टैन, गाल निकलने लगी थी, तो ग्वाल को करो वाइट, दारू को दो वाइट चंडी, चलो पी लो दूसरा बैग भी, चलिए फिर कुछ बातें कर लेंगे और, क्योंकि महफिल ज़्यादा लंबी मेरे को भी सूट नहीं करती, क्योंकि MB वगैरह बहुत लगती है अपलोडिंग में, एडिटिंग में। चलो नेक्स्ट जो मैं वीडियोस लेकर आऊँगा शायद 20 से 25 मिनट के बीच बीच होंगी बस नेक्स्ट वीडियोस, बट जब मन होगा महफिल का तो तोड़ेगी सब रिकॉर्ड। चलिए पीते हैं दूसरा बैग, जय भैरव बाबा। भाई
दूसरा पैक लग गया। अब तो मुंह में थोड़ा सा वो हो रहा था, क्रच क्रच या होता है, ऐसा लग रहा था कोई क्रंची सी चीज़ हो दाढ़ में, तो आई थिंक ग्लेज थे, तो वो सही करके हटाऊं। तो पुरानी महफिल तो देखी थी आपने, क्या बकचोदी हो गई थी उसमें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को दबाओ भाई। तुम्हारे पास 4 ग्लास हैं, एक जो पर्पल है यहाँ से, एक रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है। तो एक मैं सोच रहा हूँ विस्की के लिए लगाया जाए, एक लगाया जाए बियर के लिए, एक रम के लिए, एक जिन के लिए। तो आपको कौन सी अच्छी लगती है बताओ, जिन, रम, विस्की और बियर? तो अभी दारू का जो सीजन है ऑफ है, सीधी बात बताऊं, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम है गर्म सर्द वाला, बियर भी चलती है दारू भी, तो बंदा सोचता है अभी पीनी छोड़ ही दो अभी थोड़े दिन। अभी दारू का सीजन सही बताऊं 1 दिसंबर से है रम का। कुछ लोग पीते हैं पक्के, जो मेरी तरह है ना, पक्के तो नहीं मतलब थोड़ी थोड़ी वो भी पीते हैं, बट जो कुछ संस्कारी टाइप के हैं वो ऐसे करते हैं, छोड़ो ये मौसम नहीं है दारू का। कुछ लोग दारू पीते ही वहाँ हैं जब ट्रैवलिंग करें। तो भाई आपको एक लेटेस्ट अपडेट देना था, शायद 30 को मंसूरी जा रहे हैं हम, अगर लॉकडाउन ना हुआ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ साथ साथ में स्टोरी आएंगी, क्योंकि वीडियोस तो लेट अपलोड होती हैं 4-5 दिन बाद। अभी पहले मेरे को एक काम है, सीधी बात बताऊं, अगर वो सॉल्व हो गया मेरा 25 तारीख तक, 25 से भी 26 तारीख तक, तो मैं मंसूरी जाऊंगा पक्का, अगर लॉकडाउन भी नहीं हुआ। तो वो अगर काम ना हुआ तो आप समझ लेना नहीं, तो मैं स्टोरी डालूंगा इंस्टा पे कि काम हो गया, तो इसका मतलब रेडी हो जाओ मंसूरी में। तो हमने ऐसा प्लान बनाया था, 30 को शाम को जाएंगे, 1 की दोपहर तक मंसूरी, तो वहाँ पर आराम करेंगे 2 घंटे, फिर जाएंगे हम गन हिल पॉइंट, फिर नेक्स्ट डे हम निकलेंगे वो इस जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की पीक पे, मतलब हम वॉकिंग पे जाते हैं, क्योंकि हम पंजाब में सीधी बात बताऊँ ज़्यादा बाइक पे स्कूटी पे तो हमको मज़ा आता है। मैं देख लो सीधा हम जाएंगे मंसूरी के बस स्टैंड से, सीधा वॉकिंग करेंगे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पे। हाँ ऐसे है, नाइट हो जाएगी, रात देर हो जाएगी, बट हम 5-6 बजे सुबह निकल जाएंगे उस उधर, क्योंकि 10 बजे तक वहाँ, 10:30, 11 बजे, 1 बजे तक मज़े करेंगे, 2 बजे तक, 3 बजे से उधर से लौटेंगे, शाम हो जाएगी, और थोड़ा नाइट व्यू देखेंगे, नाइट का व्लॉग बनाएंगे। ठीक है, 7-8 बजे तक मंसूरी वाले रूम में। नेक्स्ट डे हम बक्सू फॉल है पता नहीं क्या है, पता नहीं यार, बक्सू फॉल नहीं, बक्सू फॉल तो इधर आ गया यार, वो क्या है, एक और है कैंपटी फॉल जैसा है वो, मेरे को अभी पता नहीं। तो थर्ड डे वहाँ पर सोच रहे हैं, बट भाई मेरा काम हो जाना चाहिए, बहुत टेंशन में हूँ अभी। और बताओ, आपने नहीं कभी सोचा कि कहीं घूमने जाने का? क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुआ है, आजादी मिली है, जब
जाना चाहिए, घूमना चाहिए, सीधी बात। तो भाई एक व्लॉगिंग आएगी, एक ही आएगी इस वीडियो, इस चैनल पे एक ही वीडियो आएगी मंसूरी की, ठीक है। वो पूरी वीडियो होगी 15 से 20 मिनट की होगी शायद, छोटे छोटे क्लिप्स होंगे कि मैंने ऐसे किया फिर वैसे किया, ठीक है। तो फुल अगर इन्जॉयमेंट डे 1 डे 2 डे 3 वाला वीडियो देखना है तो चैनल दूसरा सब्सक्राइब कर लो, दिया हुआ है लिंक वहाँ पे भी, डिस्क्रिप्शन में भी, तो उस पे आएगी पूरी वीडियो। क्योंकि उस चैनल की ग्रोथ करूँगा मैं या फिर ट्रैवलिंग की तरफ या फिर फूड की तरफ। भाई देखो गेमिंग चैनल वाले हैं, उनकी यूनिटी बहुत है उनके सब्सक्राइबरों की। हम जो दारू वाले हैं, हमारी यूनिटी ऐसी है, अगर आपने आज DSP ब्लैक पीनी है तो हमारी वीडियो देख ली, नहीं तो भूल गए। सही बात बता रहा हूँ भाई। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो हाँ भाई, तो एक कॉल आ गई थी, सीधी बात बताऊँ। तो हमारे भाई की थी, कुछ बात कर रहा था स्टडी के रिलेटेड ही। हम बताएंगे विद इन 15 डेज में आपको क्या है प्रोसेस हमारा, क्या करता हूँ मैं, क्या हूँ मैं, क्या करूँगा मैं। चलिए तीसरा पैक लगाते हैं, अभी बहुत बड़ी है बहनचोद की। तो मैंने ये सुना है कि जो स्मूथ फिशेस होती हैं सिर दर्द देती हैं, बट सुबह ट्राई करते हैं देखते हैं क्या मिलेगा इसमें, बट मेरे को नहीं लगता ये ऐसा कुछ देगी। अभी नशा भी स्मूथ है, सही बताऊँ कुछ ऐसा वैसा नशा नहीं है कि बहनचोद सब कुछ भूल रहा हूँ मैं, नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल ऐसे है कि आराम से अगर कोई काम मिले, टास्क मिले, वो पूरा कर सकता हूँ आराम से। टास्क ऐसे नहीं, मतलब हिंट दे रहा हूँ आपको, कोई टास्क मिले पूरा कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। स्मूथ है, सही लिखा है इसके ऊपर, स्मूथ है। डिस्टिनेक्टिव मतलब डिस्टिनेक्टिव 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 मतलब, हाँ दारू पीकर अच्छी इंग्लिश बोलती है सच में, डिस्टिनेक्टिव टिव की चड़ी। डिस्टनेक्टिव, हाँ भाई सीधी बात बता दूं, इसका मीनिंग पता है मेरे को। इसका मतलब है कि पचन वाली, आराम से पचने वाली दारू है DSP ब्लैक। मेरे को लगता है इसका जो हाफ होगा वह 2 बंदों के लिए, नहीं बॉटल, इसकी बॉटल 3 बंदों के लिए काफ़ी है। मतलब इतनी स्मूथ है इसकी, कुछ ऐसा वैसा नशा नहीं, राम राम से 3-4 पैक मारो इसके सो जाओ। अगर बहनचोद बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, अब बहनचोद ये आपके लिए नहीं है। हाँ भाई सीधी बात बता रहा हूँ, अगर किसी लड़के लड़की ने आपका तोड़ा फोड़ा है दिल, तो आपके लिए नहीं है, ठीक है भाई। थोड़ी स्मूथ फेस की है, पार्टीज वगैरह वाली है, बट नाम नहीं है इसका इतना स्मूथ है, बट आराम से अभी एकदम लोअर में हूँ। चलिए तीसरा बैग ट्राई करते हैं, तीसरा बैग चुत भर लिया फुल, ट्राई करते हैं इसको भी फिज के साथ। क्योंकि भाई मैं गैसी चीज़ दारू के साथ इसलिए यूज़ करता हूँ, और भी इसको डाइजेस्टिव बना देती हैं गैस, साथ में डगार आता है और फटक जाती है इसकी दारू की मेरी। तो पबजी आ जाए इंडियन वर्जन, तो ये रहा हमारा PC, इसको
कुछ कपड़े रखे हुए हैं साफ करने को, इसको अभी साफ करके हटा हुआ हूँ पीसी को। ठीक है, अभी मन नहीं करा यार, पबजी आ नहीं रही, मन नहीं करा, सीधी बात बताऊँ। चलिए लगाते हैं तीसरा पैग। तो हाँ भाई, एक मैसेज आ गया था, यूट्यूब का कमेंट ही था, तो मैं उसका रिप्लाई करने चल गया। ठीक है, तो चलिए करते हैं तीसरा पैक शुरू। पहले भी ऐसे ही बोल के वीडियो स्टॉप कर दी थी, अभी कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं भाई। अभी मिठास बन गई होगी एकदम बीच में। चलिए लगाते हैं तीसरा पैक, सुनते हैं कुछ गाने हेडफोन से, एयरफोन से, फिर सो जाते हैं। यही जिंदगी है बस, जहाँ एंड है जिंदगी का, बस इससे बढ़कर नहीं है कुछ अभी तक, बस एंड। चलिए लगाते हैं तीसरा पैक, पहले रेटिंग की बात कर लें, या तीसरे पैक लगा ही लेते हैं भाई, नहीं तो आप बोलोगे भाई दो पैक का क्या रेटिंग दे रहे हो। जय भैरव बाबा। तेज हो गया थोड़ा, तो भाई रूम टूर तो आपने देखा ही होगा, अकेले हैं, अकेले महफिल लगाते हैं अपनी। क्रेजी भाई आता है कभी कभी, तो आपको बोला था मैंने एक महफिल शादी पे आएगी, तो कोई शादी थी रिलेटिव्स के, तो वहाँ पे टाइम ही नहीं लगेगा भाई, काम ही इतना था। तो आज भी चखना पहले कुछ और था, मैंने सोच रहा था मोमोस वगैरह या फिर मंचूरियन, या फिर पहले मैंने ऑमलेट सोचा था। तो भाई जिंदगी बहुत दूसरे राह पर चल रही है, मतलब टेंशन बतेरी है, मतलब काम ही काम, टाइम नहीं मिला, फिर मैं लेस ले आया। तो देखते हैं क्या बनेगा इसका, रिव्यू कर लेते हैं अभी, वो लास्ट में लगा लूँगा मैं अपना। हुक्का खाने आज बिल्कुल भी प्लान नहीं है, ठंड है, धोना पड़ेगा, आलसी हूँ मैं। तो भाई डिज़ाइन की रेटिंग ठीक है, 10 में से 9, ठीक है, थोड़ी क्रिएटिव और बन सकती थी। तो पैकिंग वगैरह भी वो डाल के सारा 10 में से 9 जो बनी हुई है, तो जो टेस्ट है 10 में से 10, एंड जो इसका नशा है लेजेंड्स को, लेजेंड्स जो हैं प्रो हैं उनके लिए ये 10 में से है 7 नंबर, जो हैं बिगनर हैं उनके लिए 10 में से 10 है ये दारू। ठीक है, बैटरी वाला मैसेज आ गया, 10 में से 10 है। ओवरऑल रेटिंग की बात कर लेते हैं, टेस्ट की भी कर ली, स्मेल तो छोड़ो, स्मेल नहीं है, उसको भी 10 में से 10 ही दे दूंगा। वैल्यू ऑफ मनी वो ही लेजेंड की है, 10 में से 7 या 8, 7 ही रख लो, और जो बिगनर है उनकी 10 में से 10 है। ओवरऑल इसकी रेटिंग की बात कर लें तो ये दारू बनेगी दारू पानी फेवरेट, 10 में से इसको रेटिंग मिलती है 10। पहली विस्की है जिसको मैंने, शायद दूसरी है कोई, हाँ दूसरी है, एक बार फिर दी थी, जिसको 10 में से 10 रेटिंग मिली है, DSP ब्लैक, जो लेजेंड मेरी से भी ज़्यादा बंदे हैं भाई उनके लिए नहीं है जी,
क्योंकि नशा थोड़ा कम है, पार्टीज वगैरह में अगर पीनी है तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई DSP ब्लैक। पार्टीज वगैरह में दो हल्के हल्के भी लिखाओगे, तीन भी हल्के हल्के लिखाओगे ना, हल्के हल्के, जो डिस्पोजल ग्लास है भाई कुछ नहीं होने वाला। हाँ सही बता रहा हूँ, अगर बहन जो लेजेंड बंदा है तो भाई उसको दो बॉटलें तो लगी जाएंगी। अगर लेजेंड बंदों की महफिलें हैं ना, चार पांच बंदों वाली महफिल है लेजेंड्स की, प्रो की बंदे, चार पांच बंदे से हाँ दो बोतल तो लगेंगी लगेंगी, अगर अच्छे मैन चो पैकड़ बंदे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, रेकमेंडेड है एक बार ट्राई ज़रूर करना सभी बंदे, कुछ ऐसा कड़वा टेस्ट नहीं है। फिज के साथ भी ट्राई किया, क्योंकि फिज के साथ जो है ना थोड़ी कड़वी लगती है हर चीज़, सीधी बात बताऊँ, मैंने एक दो बार भी ट्राई की है, अच्छी लगी। पानी के साथ पहले मैंने गर्म पानी के साथ पैक लगाया आपके सामने ही, थोड़ी सी 1% भी नहीं फीस यूज़ की, तो बस गैस बनाने को की थी, तो बहुत मज़ा आया बेंचोत। या फिर आप भी फिर से ट्राई करो कोई विस्की या फिर DSP ब्लैक, मज़ेदार है चीज़ DSP ब्लैक। एक अरिस्टोक्रेट ACP ब्लैक, हाँ भाई पुलिस वाला वर्जन आ गया अब, ACP ब्लैक ट्राई की थी, वो इसके सामने कुछ नहीं है DSP के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, सब्सक्राइब वगैरह किया करो, बहुत महफिल लंबी हो जाती हैं क्योंकि कैटेगरी ही ऐसी है तो मैनेज सब कुछ करना पड़ता है, बहुत टेंशनें रहती हैं दिमाग पे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कब आएगी, बट नेक्स्ट आएगी तो क्लिफ हैंगर आएगी शायद। बाय बाय।